हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे भी कोई भी डॉक्यूमेंट के एलिमेंट पे हम लोग मैचेस, क्लोजेस और कंटेंट्स मेथड को रन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा अपने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर पे और इसके फिर से मैं प्रॉपर्टीज पे जाके, कस्टमाइज पे जाके, चेंज आइकन पे जाके, एक आइकन उसके लिए देखूंगा। ये वाला लगे तुम ओके ओके मैंने ओके लोड करूंगा, देन हो गया। देन इसके अंदर जाके मैं ओपन करूंगा बीएस कोड के अंदर, सोनोस करके ओपन विद कोड करके मैं इसको ओपन करूंगा बीएस कोड के अंदर। बीएस कोड के अंदर ओपन करने के बाद मैं डेस्कटॉप डेस्टिनेशन पे जाऊंगा। डेस्टिनेशन पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपना स्क्रिप्ट देखूंगा। स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं है, कंसोल ओपन मैं करूंगा डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट का जरूर लॉक करने के बाद मैं एच1 जाऊंगा, यहाँ पे एक एच1 बनाऊंगा। मैं लिखूंगा दिस इज कोड विथ 16603 एंड एक पैराग्राफ लगा के मैं यहाँ पे लॉगिन कर दूंगा। सिंपली इतना ही करूंगा, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट पे जाकर सिंपली गो लाइव करूंगा एंड मैं अपना इस प्रोजेक्ट को लाइव करूंगा। लाइव करने के बाद मैं इस पे करके अपना ये कंसोल बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को ये चीज़, मेरे को मेरा डॉक्यूमेंट जो है मेरे को देखने को मिल गया है, जो कि कुछ इस तरीके का है। ठीक है भाई, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ जो मेरा ये पैराग्राफ इस सब को मैं कर देता हूँ डिव के अंदर क्लोज। ठीक है, मैं करूँगा डिव एंड सिंपली इस डिव का जो क्लोजिंग वाला आइकन है मैं उसको लगाऊंगा यहाँ पर एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा ये डॉक्यूमेंट HTML फाइल फॉर्मेट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मेरे को ठीक से दिख रहा है। स्क्रिप्ट टैग पे जाऊंगा एंड स्क्रिप्ट टैग पे जाने के बाद मैं करूंगा लेट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली डिव लिख लूंगा। डिव लिखने के बाद मेरे को एक डॉक्यूमेंट मैं लोड करूंगा। रिपर्टी से पहले कंसोल को लॉक करना पड़ेगा मुझे डिव को। कंसोल डॉट लॉग डिव, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, एस्टिमेट कलेक्शन मिल रहा है। अगर मुझे यहाँ से मेरा वाला डिव निकालना है जो फर्स्ट है, उसको मुझे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, देन मुझे मेरा डिव यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरे मेरा टीम यहाँ पे उनको देखने को मिल गया है, जो कि H1 है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि देखो मेरा जो डिव है, डिव मैं करो कि डिव डॉट मैचेस, डिव डॉट मैचेस, और मैचेस के अंदर मुझे क्या देना है, कोई भी सेलेक्टर देना है जो कि इस एलिमेंट पे होगा। तो मान लो यार इस डिव पे मैं एक क्लास दे देता हूँ मेन डिव। तो मैं अगर देखूं कि डिव डॉट मैचेस और मैं इसमें दे दूंगा डॉट मेन डिव, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, क्योंकि ये डिव मैच कर रहा है डॉट ये वाले क्लास से। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा क्लास लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, तो ये मेरे को फॉल्स देगा, क्योंकि ये इस क्लास से रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये देखूं, मैं कहूँ कि क्या इस डिव पे, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाके कहूँगा कि देखो इसका आईडी होगा, माई डिव। ठीक है, इसका आईडी क्या होगा, माई डिव। तो मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा माई डिव आईडी इससे मैच करता है, माई डिव। तो मैं स्लैश माई डिव कर दूंगा, तो ये मुझे ट्रू ला के देगा। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर दूं, या कुछ और भी लिख दूं, तो यहाँ पर मुझे ये फॉल्स ला के देगा। मतलब मैच करेगा तो ट्रू, नहीं मैच करेगा तो फॉल्स। और मैं कह सकता हूँ कि मान लो इस डिव के अंदर एक H1 है जिसमें एक क्लास दूंगा हेडिंग, तो मैं क्या इसमें कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि भाई इसमें ये मैच करता है डॉट हेडिंग के। तो ये मुझे फॉल्स ला के देगा, मतलब मैचेस वाला सिर्फ
जो एलिमेंट पे आप मैच करा रहे हैं ना, सिर्फ उसी को चेक करेगा और किसी को नहीं चेक करेगा, ठीक है? जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर मैं इसमें मैचेस के अंदर क्लोजेस्ट कर दूं, तो क्लोजेस्ट पे मैं जैसे ही यहाँ पे होवर करूंगा, ये बोल रहा है कि रिट्रीव ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड एलिमेंट, नहीं, ठीक है? तो मैंने डिव डॉट क्लोजेस्ट कर दिया डॉट हेडिंग, तो ये आपको नल ला के दे रहा है, क्योंकि इसके पास यार कोई क्लोजेस्ट डॉट हेडिंग नाम का है ही नहीं, ठीक है? तो मान लो यार कि मैं जो मेरा ये डिव है, मेन डिव है एंड डॉट हेडिंग है, इस पे मेरा कोई एक और डिव होता, डिव डॉट हेडिंग, देन यहाँ पे ये चीज नल होगा, क्योंकि भाई इसके क्लोजेस में कोई यहाँ पे ये चीज है ही नहीं, ठीक है? इसके क्लोजेस में डॉट हेडिंग है ही नहीं, ठीक है? तो क्लोजेस हो गया है, क्लोजेस के बाद कंटेन होता है। कंटेंस क्या देखेगा, क्या इसके अंदर ये एलिमेंट है या नहीं है? तो मैं देखूंगा कि मैं कहूंगा कि डॉट कंटेंट क्या कर रहा हो, डॉट कंटेंट हेडिंग, तो ये आपको वो हेडिंग वाला पार्ट लाके ये बोल रहा है फेल टू एग्जीक्यूट कंटेंट्स ऑन नोड पैरामीटर वन इज नॉट अ टाइप ऑफ नोड। तो मुझे यहाँ पे कोई एक एलिमेंट देना होगा, मान लो मैं इसमें कोई एक एलिमेंट देता हूँ, मैं यहाँ पे कौन सा एलिमेंट को करता हूँ, ये H1 को, तो H1 को के लिए मैंने क्लास हेडिंग दिया है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लेट हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट डॉट एलिमेंट बाई क्लास नेम, कौन सा क्लास नेम, हेडिंग वाला क्लास, एंड हेडिंग वाले क्लास नेम का 0 वाला मुझे चाहिए, एंड यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा हेडिंग, एंड अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये ट्रू करके दे रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट इस कंटेंट्स मतलब ये वाला एलिमेंट को कंटेन करता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो मैचेस क्लोजेस एंड कंटेंट्स का, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक आप लोग जावास्क्रिप्ट को जो कोर्सेज को फॉलो करना है स्टार्टिंग दे देना ताकि आपको एक चीज समझ आए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।